नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल शोमास लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को किस तरह से क्लीन किया जाता है, मशीन के इनसाइड कंपार्टमेंट को डीप क्लीन कैसे करते हैं। मेरा ये मशीन IFB का है, कंपनी कोई भी हो क्लीनिंग प्रोसेस सेम ही होता है। सो विदाउट एनी फर्दर आई डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपने मशीन में से प्लास्टिक रैप को अभी तक निकाला नहीं है क्योंकि मशीन को बाहर बालकनी में रखा है तो इससे थोड़ा सा सेफ रहेगा। हालांकि वॉश करने के बाद मैं मशीन को कवर करके ही रखती हूँ। इसी क्लीनिंग पाउडर से मैं मशीन को क्लीन करने वाली हूँ और इस टाइप का क्लीनिंग पाउडर और टैबलेट्स दोनों ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं और ऑनलाइन से भी ले सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। इस पाउडर को यूज करने का प्रोसेस पाउच के बैक साइड में दिया गया है। तो चलिए क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैं मशीन के अंदर पाउडर जो है क्लीनिंग पाउडर उसे डाल रही हूँ और पाउडर को डालते वक्त मैंने ये जो रबर का गैस्केट है इसके अंदर भी थोड़ा सा पाउडर डाल दिया है क्योंकि आप देख सकते हो कि ये गैस्केट कितना गंदा हो गया है। एक बार में पूरा एक पैकेट को यूज करना है, मैंने पूरा पैकेट यहाँ पे यूज कर लिया है और अभी मुझे वॉश टाइम सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने पावर बटन को ऑन कर लिया है और अब मुझे वॉश टाइम सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम टाइम मुझे सिलेक्ट करना है तो इसलिए मैंने मिक्स डेली सिलेक्ट किया है। यहाँ पे 1 hour and 13 minutes दिखा रहा है और अब मुझे टेम्परेचर भी सिलेक्ट करना है। तो टेम्परेचर मिनिमम 40 to 60 degrees होना चाहिए, यहाँ पे मैंने 40 degrees सिलेक्ट किया है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 1 hour 20 minutes वॉश टाइम दिख रहा है और मैंने अभी स्टार्ट बटन भी ऑन कर दिया है। ये प्रोसेस होने में अभी 1 hour 20 minutes लगेगा। ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है लेकिन मेरे वॉशिंग मशीन का जो डोर ग्लास है वो ब्लैक कलर में है इसलिए बाहर से कुछ दिखता नहीं है, सो मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो अभी मैंने मशीन के पावर बटन को ऑफ कर दिया है और डोर ओपन करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मेरा ये जो रबर का गैस्केट है वॉशिंग मशीन का ये कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था तो इसलिए मैं अभी इसे ब्रश से थोड़ा सा हल्का सा ब्रश करके क्लीन कर लूँगी। ये देख सकते हो आप कितना ज़्यादा गंदा हो गया है ये गैस्केट, लेकिन पाउडर यूज़ करने की वजह से ये इजीली निकल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, मशीन के ड्रम को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में हमें मशीन के जो फ्लफ फिल्टर होता है उसे क्लीन करना है जो कि मशीन के नीचे रहता है। तो सेकंड स्टेप को स्टार्ट करने से पहले मैंने नीचे एक ट्रे रख लिया है ताकि ये जगह जो है वो गंदा ना हो। और अभी मुझे इस डोर को भी ओपन करना है, छोटा सा जो डोर है, और इसके अंदर देखिए एक पाइप दिख रहा है, इस पाइप के अंदर गंदा पानी जो है वो जमा हो जाता है, उसे निकाल के फेंक देना है। तो इस तरह से मैंने पानी को निकाल लिया इस ट्रे में और अभी इसे पहले जैसा था वैसे ही फिट करके रखना है। और ये है फ्लफ फिल्टर, आप देख सकते हो ये काफ़ी गंदा हो गया था तो इसको भी मैंने एक ब्रश के हेल्प से क्लीन कर लिया है। और ये जो अंदर के तरफ भी काफ़ी गंदगी दिख रहा है इसको भी मैंने ब्रश के हेल्प से क्लीन कर लिया है। फिर मैंने एक कपड़े से ड्राई कर लिया है अच्छे से और फिर पहले जैसा था वैसे ही फिट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप है इस ट्रे को क्लीन करना जहाँ पे हम वॉशिंग पाउडर या फिर लिक्विड वॉशर डालते हैं। तो आप लोगों ने पहले ही देखा होगा जब मैंने क्लीनर पाउडर यूज़ किया था तो इस ट्रे में भी डाला था जिसके वजह से ये ट्रे जो है वो ऑलरेडी क्लीन हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे जो बटन होता है पुश करने के लिए इस बटन को पुश करके मैंने ट्रे को निकाल लिया और फिर वॉश मशीन में वॉश करके फिर से फिट कर दिया है। एंड लास्ट स्टेप में फिर से प्रोग्राम में जाके रिंस सिलेक्ट करके स्टार्ट बटन को ऑन करना है, इससे पूरा मशीन प्लेन वाटर से वॉश हो जाएगा। तो यही था फुल प्रोसेस फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन को डीप क्लीन करने का। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को मिनिमम महीने में एक बार ज़रूर करना चाहिए, इससे मशीन की लाइफ बढ़ जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।